लिबरल शब्द में ही जाति का उन्मूलन हो जाता है, हम जाति से बाहर निकल जाते हैं, और सेक्युलर में हम धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, हम धर्म और जाति से ऊपर होकर कोई काम करते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े विचार और हमारे दिमाग में आइडिया और आइडियोलॉजी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के मालिक बनने की बात कर रहे हैं। और संविधान अगर हम लोग नहीं जानते और संविधान के पहलू पर अगर हम कोई उस पर अगर टिप्पणी नहीं डाल सकते, प्रकाश नहीं डाल सकते, तो कोई फायदा इस संसद का, हमारी मीटिंग का नहीं होगा। मैं बड़े कैटेगरी की बात कहना चाहता हूँ। देश के अंदर आज बाबा साहब का पूरा काम, जो भी उन्होंने अथक प्रयास, त्याग, बलिदान से, कष्टों से किया था, आज सबका सब डेसिमेट कर दिया गया है। आज भारतीय संविधान का एक 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 उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रीडम की, तो आज आप लोगों के पास में जो एंटी लिंचिंग के लिए जो राइट, जो 50 बड़े बड़े इतिहासकार सरकार को लेटर लिखते हैं, तो उनके ऊपर FIR दर्ज होती है। आपका फ्रीडम नहीं है, आप बोल नहीं सकते, इस हॉल में कुछ भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं बाहर जाकर एक बात भी बोलूंगा तो मेरे को जान के अपने पर लाइफ की खतरा है। अगर आप बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की, तो NRC के माध्यम से देश के अंदर भारतीय संविधान ने फंडामेंटल राइट आप लोगों को दिया गया था कि कोई भी आदमी कहीं भी जाके रहे, कहीं भी जाके व्यापार करे, कहीं भी जाके सेटलमेंट करे, इस देश के हर नागरिक को भारतीय संविधान ने फंडामेंटल राइट पढ़िए। लेकिन आज NRC के माध्यम से आप लोगों को सेग्रीगेट करके और वहीं पर धकेला जा रहा है जहां पर आपका कोई वजूद ना था, गांव देहात में जहां से आए हो, आपके पास ना रिसोर्सेस हैं ना आपके पास कोई आगे बढ़ने के एवेन्यूज हैं। हम आपको सेव करेंगे। अगर हमें अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति नहीं है तो नई विचार कहां से आएगा? देश के अंदर बड़ी बात कौन सोचेगा? अगर ये भीम संसद भी बन रही है, हम भी इसका हिस्सा है। अगर इसका हम हिस्सा है तो हमें ऐसे लोगों को, इंटेलेक्चुअल को लाना पड़ेगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को लाना पड़ेगा, संवैधानिक लोगों को, जिसके पास देश के अंदर नीति और नीति बनाने के लिए, एक्शन प्लान के लिए कुछ उस गहरे लेवल का ज्ञान हो। आज आपका सिस्टम खत्म हो गया है। फिर आप बात करिए अब शिक्षा पढ़ाने का समय, आज बच्चों को जाके शिक्षा पढ़ाएंगे घर घर जाके, या हम जाके उनको 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 कुछ जाके सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताएंगे? ये समय नहीं है, देश खतरे में है। वो लोग आज इतिहास बदलने की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नया इतिहास लिखो, वीर सावरकर उनके जहाँ के जो इतने बड़े बड़े जो नई देश में देश में उनको आपका शासक बना रहे हैं। इश्यू ये है, जब कंट्री ही खतरे में है, कंट्री में कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए, संविधान ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास, रिजर्वेशन नहीं बचेगा, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तुम्हारे पास, कोई फंडामेंटल राइट नहीं बचेगा, देश का सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म खत्म हो गया है, तो फिर संसद बना कर क्या करोगे आप? संसद बना के इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ सैकड़ों इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं, अपना समय और एनर्जी निकाल कर आए हैं, अब कुछ उम्मीद लेकर आए हैं कि देश में कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करके चाय पी के और बाय बाय करके फोटो खींचा के व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे डाल दो। दिस शुड बी नॉट द व्यू, द मैसेज ऑफ दिस मीटिंग, इट शुड हैव अ वेरी हाई द ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट अस। सो इनके ऊपर खुल के चर्चा की जाए। देश में आपको उन मुद्दों को आपने टैकल करना है, आपको लेना है जो मुद्दे सरकार के लिए हमारे को एकदम से, हमें उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उनको झुकाने का काम करें, ऐसे मुद्दों को लेकर चलना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।